श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की माँ भगवती की साधना उन लोगों के लिए है जिन्हें अनुभूति ही नहीं होती, तो ये साधना अनुभूति के लिए। बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, एक छोटी चौकी बरजोट जिसे को कहते हैं उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे और एक मुट्ठी अरवा चावल बिना टूटा हुआ दाना ऐसा चुन करके उसमें गोलाकार आयत रूप में उस पर बिछा देंगे। इतना करने के बाद उस पर रोली से एक त्रिशूल बनाएंगे जिसका तीनों मुख सामने की तरफ होगा और जो उसका डंडा है वो आपकी तरफ होगा। ठीक, ये विधान मैंने पहले भी बताया है कि भगवती की जब भी पूजा करते हैं तो यंत्र ऐसे ही बनाते हैं। अपने दाहिने ओर एक लाल फल रखेंगे, ठीक है, जो डंडे का जो त्रिशूल का अंतिम छोर आपके पास है उसके ऊपर एक दीपक रखें, उसमें घी का दिया जलाएंगे। बाएं ओर आप धूप जलाएंगे, धूमन का धूप जलाएं या जो भी आप आपके पास उपलब्ध हो वो धूप आप जला सकते हैं। ठीक है, सामने में माँ भगवती देवी दुर्गा की तस्वीर रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद पंच पूजा हो जाएगा। माँ को रक्त चंदन में केसर मिला करके तिलक करेंगे। जिनके पास माँ भगवती की तस्वीर नहीं है वो जो यंत्र बनाया है उस पर उसके मध्य में जो त्रिशूल है उस पर एक पुष्प रखेंगे। ठीक है, पुष्प रख करके उसको भगवती मानेंगे और बोलेंगे हे भगवती, मैं अगले 9 दिन जो साधना करने वाला हूँ उसमें ये आपका आसन आपको प्रदान करता हूँ, आप इसको आसन रूप समझ करके इस पर स्थापित हो जाएं। ठीक है, जब तक मैं साधना करूं, जब तक मंत्र जाप करूं, आप इस पर स्थापित रहें। ठीक, उसके बाद उसी फूल पुष्प पर जो है रक्तचंद्र केसर मिला करके हल्का छींटेंगे। जो नवेद है वो भगवती के सामने हम अर्पण करेंगे, भगवती के बाएं और अपने दाईं ओर सामने दीपक जलाएंगे और अपनी बाएं और भगवती के दाहिने तरफ धूप रख देंगे। ठीक है, ये पूरा जो व्यवस्था है ये 9 दिन हर रोज़ बदलेगा। ठीक है, जो एक आसन के लिए आपने फूल दिया है उसके अलावा एक फूल और रखेंगे। ठीक है, जो जाप होगा अगर आप सुबह करेंगे सूर्यास्त से पहले तो रुद्राक्ष की माला पे करेंगे और संध्या में अगर आप करेंगे तो आप करेंगे इसको स्फटिक की माला पे। ठीक है, अगर आप सूर्यास्त से पहले करते हैं तो पूरब की तरफ देख करके आप जाप करेंगे और अगर सूर्यास्त के बाद आप पूजा कर रहे हैं तो आप उत्तर की तरफ देख के पूजा करेंगे। और ये जो समय और ये जो स्थान है ये आपका बंधा हुआ रहेगा, इसको कभी आप बदलेंगे नहीं। ठीक है, जो आपका आसन रहेगा वो ऊन का आसन रहेगा और उसके चारों तरफ अगर सिल्क के कपड़े का बॉर्डर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका वस्त्र लाल रंग का होना चाहिए, अगर बिना सिला हुआ लाल वस्त्र हो तो और उत्तम है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा व्यवस्था जो आपको इस साधना के लिए करना है। अब मंत्र सुनिए, 3 बार मंत्र बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती, मतलब बीज 20 हाथों वाली रत्नमंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल, उत्तर पथ पे आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल, उत्तर पथ पे आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 9 दिन हर रात्रि को 21 माला या फिर हर सुबह जब भी आप बैठेंगे तो 21 माला करना है। एक बार जब साधना पूरी हो जाएगी तो अगले 7 महीने के काल में इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है। ठीक है, उसके बाद इस मंत्र का जाप रोक देना है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी
तो एक माला भगवती को याद करके मन में ध्यान करके भगवती का, और एक माला जो है जाप कर लेंगे। इस मंत्र के जाप से जब सिद्धि काल, मतलब आप जब जाप अपना साधना खत्म कर लेंगे, तो इस मंत्र के जाप मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार में उन्नति होती है, ठीक है। और जिस समय आप इस साधना को कर रहे हैं, उस समय जो है आपको बहुत सारा धन लाभ, एक विषय है। दूसरा कि किसी भी कोने में, जिस जगह आप साधना कर रहे हैं, आपको कोने से भगवती झांकती हुई दिखाई देगी, बहुत साफ ना दिखे तब भी अगर आप मंत्र सही करेंगे, विधान सही करेंगे, तो भगवती आपको किसी न किसी कोने से झांकती हुई दिखाई देगी। इसी को जब आप साधना पूर्ण कर लेंगे 9 दिन का, तो आम की लकड़ी पर गुलाब की पंखुड़ियों को घी और मधु दोनों मिला करके बराबर मात्रा में, उसके बाद दशांश हवन कर देना है, ठीक है। दशांश हवन का मतलब करीब 9 माला होगा। इतना करके ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसका जैसा मैंने पहले बताया कि 7 महीनों में 1.25 लाख आप जाप करेंगे। इतना करने के बाद जब भी आपको इस मंत्र की आवश्यकता हो, तो आप इसको एक माला जाप करेंगे। इतना अगर आप कर लेंगे, तो आपको जीवन में हमेशा ऐसा लगेगा कि भगवती आपके आसपास है। हमेशा आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे पीठ पर कोई तो शक्ति आरूढ़ है, जो कि भगवती है। उसके बाद बातचीत, बोल व्यवहार, किसी को अपशब्द नहीं कहना, खुद के बारे में कुछ भी जो नकारात्मक विचार है वो नहीं लाना, ये सब आपको करना होगा, ठीक है। बहुत अद्भुत प्रयोग है, बहुत लोगों को भगवती दिखी, इस मंत्र को करके आपको भी दिखे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो साधना का शुरुआती विधान है, जिसमें यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, हवन करना, भैरव जी की सेवा करना, ये हम आपको सिखाते हैं। मेरा आगामी कार्यक्रम जानने के लिए, लेख पढ़ने के लिए www.अघोरतंत्र.ऐसे पर जाएं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी को शरण मिले, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।